गुड मॉर्निंग क्लास बेटा, आज अपन पार्ट 16 वन के मार्ग में पढ़ेंगे। वन के मार्ग बच्चों, भी आप लोगों ने अगर लॉकडाउन में रामायण चली थी तो रामायण देखी होगी ना सबने, तो आपको पता है कि दशरथ जी का वचन का पालन करने के लिए श्री राम अपने छोटे भाई लक्ष्मण और सीता के साथ 14 वर्ष के लिए वनवास में चले जाते हैं। पर आप जानते हो सीता जी तो राजकुमारी भी राजकुमार है, लक्ष्मण जी भी राजकुमार है, पर सीता जी बहुत ही नाजुक है। जब वो नंगे पैर चलती है तो बहुत थक जाती है रास्ते में, मतलब परेशान हो जाती है। तो अभी जो हम सवैया पढ़ेंगे इसमें यही बताया गया है कि सीता जी किस तरह थक कर परेशान होती है, उसका वर्णन किया गया है। तो इसके प्रसंग में आप लोग लिखोगे उपरोक्त सवैया हमारे हिंदी की पाठ्य पुस्तक पाठ 16 वन के मार्ग से लिया गया है, जिसके लेखक तुलसीदास हैं। इसमें रास्ते के बारे में बताया गया है, जब राम सीता और लक्ष्मण वन को जाते हैं तो रास्ते में वो क्या महसूस करते हैं उसका वर्णन किया गया है। ठीक है, देखिए। पुरते निकासी रघुवीर बंधु धीर धीर तय मग में डग दे। पुर से मतलब अपने घर से निकल के जंगल की तरफ जाते हुए धीरे धीरे पग रखते हुए राम लक्ष्मण और सीता जा रहे हैं। झलकी भरी बार करी झलकी कूट सुखी गए मथुरा घर पे। पैदल चलने की वजह से उनके सर पे पसीना आ रहा है और उनके होंठ प्यास से सूख रहे हैं। ठीक है, फिर ही पूछती है चलो आप कहते ही पनकुटी कलयुग कितने है। सीता जी राम से पूछती है कि अब हमें कितना पैदल चलना है और आप कुटिया कहाँ पर बनाओगे, क्योंकि सीता जी बहुत ज्यादा थक चुकी हैं। इसलिए वो श्री राम से पूछती है कि हमें कितना पैदल चलना है और आप कुटिया कहाँ पर बनाओगे। दिए की लकी आतुरता पहली अखिया अति चारू चले जल चुए। प्रिय यानी श्री राम अपनी पत्नी सीता की आंखों में आकुलता देखकर थकान देखकर चलते जाते हैं। ऐसे समझ में आपको उपरोक्त सवैया में वन मार्ग के रास्ते का वर्णन किया गया है। ठीक है, और सीता जी की हालत का वर्णन इसमें किया गया है। पहला समझ में आ गया, एक बार दोबारा करो। पुरते निकसी रघुवीर बंधु धीर धैर्य मग में डग दे। पुर यानी घर से महल से निकलते रघुवीर बंधु राम लक्ष्मण और सीता घर से निकलते वन की ओर जाते हैं, पगपाल पैदल वन की ओर जाते हैं। झलकी भरी बाहर करी झलकी कुटी सुटी गए मथुरा वे, और पैदल चलने की वजह से उनके सर पे पसीना आ जाता है और उनके होंठ प्यास से सूख जाते हैं। फिर पूछती है चलो अब कहते पनकुटी कलियो कितने, और सीता जी जब थक जाती है तो श्री राम से पूछती है हमें कितनी दूर और चलना है और कुटिया कहाँ पर बनाओगे। तीये की लकी आतुरता पहली अखिया अति चारों चले जल देवर, और श्री राम अपनी पत्नी सीता की आतुरता देखकर परेशान हो जाते हैं। ऐसे समझ में सेकंड देखो, अब सेकंड वाले में क्या होता है बच्चों कि जब राम जी देखते हैं कि सीता जी थक गई हैं तो वो क्या एक पेड़ के नीचे विश्राम करने के लिए रुक जाते हैं और लक्ष्मण जी से कहते हैं कि तुम पानी लेकर आओ। इससे क्या है कि थोड़ी देर सीता जी बैठेंगी तो उनको थोड़ा आराम मिलेगा। तो जब लक्ष्मण पानी लेने चल जाता है तो राम जी किस तरह सीता जी की मदद करते हैं, किस तरह उनके कांटों को निकालते हैं, उसका वर्णन इसमें किया गया है। ठीक है, देखिए। जल को गए लखन लालिका पर क्यों प्रिय जहां धरी है झाड़ी। लखन यानी श्री राम सीता जी से कहते हैं कि लक्ष्मण पानी लेने गया है, जब तक हम थोड़ी देर यहाँ विश्राम करते हैं थोड़ी देर यहाँ पर बैठते हैं। ऐसा क्यों कर रहे श्री राम जी, क्योंकि उन्होंने सीता जी को थका हुआ देख लिया, वो देख पा रहे थे कि वो चल नहीं पा रहे, इसलिए उन्होंने थोड़ा विश्राम देने के लिए लक्ष्मण को पानी देने के लिए भेजा। पोछी पसे तैयारी करो और उपाय पखारियों भूमि ठाणे। तुम अपने पसीने पोंछो और आराम से पैर पसार के यहाँ पे आराम करो। श्री राम जी सीता से कहते हैं कि तुम अपने पसीने पोंछो और थोड़ी देर इस स्थान पर आराम कर लो। तुलसी रघुवीर प्रियाशन जाने के बैठे विलंब लो कंटक काटे।
राम और सीता जी वहां पे बैठ के विश्राम करते हैं तो श्री राम सीता जी के पैरों से कांटे निकालते हैं, उन्हें सहलाते हैं और उनके पैरों से कांटे निकालते हैं। जानकी नाम को ने लगे और पलकू तनि बारी विलोचन बाड़े। और जानकी यानी कि सीता जी राम के इस प्रेम को देखकर मन ही मन खुश होती है। वे राम जी उनके पैरों को सहलाते हैं, फिर से कांटे निकालते हैं तो सीता जी यह देखकर अपने पति के प्रेम को देखकर बहुत ही खुश होती है। आगे समझ में, एक बार दोबारा देख लो पूरा चैप्टर आपको समझाती हूँ। जानकी नाम को ने लाके और पुलकू तनु बारी विलोचन। जानकी सीता जी को बहुत आराम मिलता है और वो मन ही मन उन्हें देखकर बहुत खुश होती है। श्री राम का इतना प्यार देखकर वो बहुत खुश होती है। आइए समझ में, अब इसके क्वेश्चन आंसर देख लो। नगर से बाहर निकलकर दो पग चलने के बाद सीता जी क्या दशा हुई? नगर से बाहर निकलकर सीता दो पग चलने के बाद सीता के माथे पे पसीना आ गया और प्यास से उसके होंठ सूखने लगे। लक्ष्मण को पानी लेने भेजते हैं और एक पेड़ के नीचे विश्राम करते हैं। ठीक है,